हेलो एवरीवन, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल मैक्स सेफ्टी एट रवैद एंड ट्राई टू शेयर विद योर फ्रेंड्स आल्सो एंड अकॉर्डिंग माय ओपिनियन माय चैनल विल हेल्प यू इन प्रोफेशन ऑफ फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट या हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट. ओके एंड लॉट्स ऑफ वीडियोस हैव बीन अपलोडेड okay in my channel. I think around 100 videos. Okay, so please subscribe, share, comment and suggest. I will very happy and after getting your any kind of comments or suggestion. Let's start. Today I will discuss about compressed gas cylinder safety. Okay, before starting compressed gas cylinder safety, I want to introduce about compressed gas cylinder safety. Okay, so compressed gas cylinder safety जो है ये काफ़ी है ना डेंजरस होता है. अगर ये टूटता है या आग लगती है इसमें या ब्लास्ट होता है तो हाईली डेंजरस माना जाता है. ठीक है, इतना डेंजरस कि आप भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर ये जो सिलेंडर्स आपके सामने दिख रहा है, ठीक है, ये सारे जो सिलेंडर्स आपको दिख रहा है, ये अगर ब्लास्ट कर जाए तो कितना भयानक आग लग सकती है, कितना भयानक जो है ना वहाँ एक ट्रेजडी आ सकती है. ठीक है, और आसपास जो भी लोग रहेंगे उसका बचना भी बहुत मुश्किल होगा. क्यों? साफ साफ यहाँ लिखा हुआ है कि विल रिलीज अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी, क्योंकि इससे जो एनर्जी निकलेगी वो बहुत ही भयावह होगी, बहुत ही खतरनाक होगी. और कंप्रेस गैस सिलेंडर सेफ्टी की अगर हम बात करें उसके थिकनेस की, यानी जो ये सिलेंडर होता है ना तो इसके वॉल की जो थिकनेस होती है, जो डायमीटर होता है, ठीक है, उस डायमीटर जो दीवारें हैं इसकी चारों ओर से है ना गोलाई पे, तो उसकी जो थिकनेस होती है 1/4 inch होती है ना. और वेट की बात करें, वेट की बात करें तो 150 है ना पाउंड या उससे ज़्यादा भी होता है. और लगभग अगर प्रेशर की बात करें तो 2200 PSI प्रेशर में ये यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो खैर 150 पाउंड और 2200 PSI प्रेशर ये डिफरेंट करेगा है ना, वेरी करेगा, क्योंकि हर सिलेंडर का अलग अलग अपना एक वैल्यू होगा, अलग अलग उसकी कैपेसिटी होगी, उसके हिसाब से उसके अंदर PSI प्रेशर भरा जाएगा, वेट भी उसके अकॉर्डिंग होगी. जैसे कि हम लोग देखते हैं ना 5 लीटर 4 लीटर का जो हमारा LPG सिलेंडर आता है, ठीक, उसके बाद 15 लीटर 20 लीटर यहाँ तक आता है, तो ऐसे इसके भी अलग अलग क्या होते हैं साइजेस होते हैं. अब बात करेंगे एसिटिलीन प्रोपेन एंड ऑक्सीजन, ये तीन गैसेस ऐसे गैसेस हैं जो सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर यूज किया जाता है. एसिटिलीन प्रोपेन एंड ऑक्सीजन, ठीक है, ये तीनों गैसेस को सबसे ज्यादा है ना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है. अब चलिए हम लोग बात करते हैं, ये था इंट्रोडक्शन कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी पर. अब हम लोग बात करेंगे कुछ जनरल रूल्स ऑफ है ना हैंडलिंग गैस सिलेंडर्स, यानी गैस सिलेंडर्स को जब हम लोग हैंडल करेंगे तो कुछ चीज़ों का हमको ध्यान रख करके ही हैंडल करना चाहिए. तो सबसे पहली बात तो ये होता है कि जब भी हम लोग सिलेंडर को हैंडल करेंगे तो उनके ऊपर जो कैप होता है वो कैप लगा के करेंगे, ठीक है, और शोल्डर और वेस्ट दो बात हो रही है सिलेंडर की एक्चुअली, तो हम ये बात कर रहे हैं यहाँ सिंगल बांधा हुआ, ये हो गया इसका शोल्डर और ये हो गया इसका वेस्ट. तो बात ये हो रही है कि जब भी आप इसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं तो इस तरह के ट्रॉली में ही लेकर के आप जाएं, ठीक है. और वैसे यहाँ सिंगल लॉकिंग है, यहाँ बात हो रही है डबल लॉकिंग होना चाहिए, सिंगल लॉकिंग के टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, डबल के नहीं होते, इसलिए दोनों जगह ये बांधा हुआ होना चाहिए, ठीक है. और आगे बात करेंगे कि सिलेंडर जो है, जो भी सिलेंडर को हम लोग यूज करते हैं अपने वर्क साइट पे, अगर वो यूज में नहीं है, ठीक है, सपोज एक घंटा के लिए आधा घंटा के लिए हम लोग काम नहीं करेंगे तो हम लोग को तुरंत उसका कैप जो होता है ना, जो उसका वाल्व होता है वो हमें लगा देना चाहिए, ठीक है. जो सिलेंडर आप देख रहे हैं ये सिलेंडर का ये वाल्व है, ये वाल्व हमको लगा देना चाहिए. हम लोग घर में LPG जो सिलेंडर लेके आते हैं
उसमें एक व्हाइट कलर का, देखिएगा व्हाइट कलर का एक कैप होता है, उस कैप को हमें फेंकना नहीं चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, लाते हैं और उसको सील तोड़ने के बाद उसका जो है कैप को फेंक देते हैं, लेकिन नहीं फेंकना चाहिए। वो कैप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेंडर को कभी भी अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, तो वो व्हाइट कलर वाला कैप लगा करके ही करना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न से, क्योंकि बहुत सारे सिलेंडर में लीकेज होता है और व्हाइट वाला कैप अगर आप लगा देते हैं तो लीकेज पूरा बंद हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट ये कहना चाहते हैं कि सिलेंडर आपका खाली भी हो तो भी आपको क्या करना है, कैप कर लो लगा करके ही रखना है। ठीक है, और उसके बाद कह रहे हैं कि सिलेंडर जो हमारा होता है तो इलेक्ट्रिक वायरिंग या वो जगह जहां शॉर्ट सर्किट होने की संभावना हो उससे हमको दूर रखना चाहिए। ठीक है, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पीछे जैसे ये बोर्ड है, यहाँ ये बोर्ड है, तो ये सारे हमारे क्या हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। ठीक है, तो शॉर्ट सर्किट यहाँ तो बहुत ज़्यादा होने का, क्योंकि इलेक्ट्रिकल बोर्ड है, जब चार्जर डालते हैं तो देखिएगा हल्का सा स्पार्क मारता है, चिंगारी मारती है। और उस जगह अगर गैस सिलेंडर को भी आप स्टोर किए हुए हैं और किसी से अगर रिलीज हो रहा है हल्का फुल्का गैसेस, तो जैसे ही चिंगारी मिलेगी, है ना, सोर्स ऑफ फायर मिलेगा, स्पार्क मिलेगा, तुरंत आग लग जाएगी, ब्लास्ट हो सकता है, तो इससे बचना है। अगला है कि सिलेंडर को जब भी हम स्टोर करते हैं तो वेल वेंटिलेटेड एरिया में हमको करना चाहिए, और वो एरिया सिर्फ, है ना, रिजर्व रहना चाहिए किसके लिए, सिलेंडर के लिए। जैसे यहाँ देखिए कैसे है, ये घर स्पेशल बना हुआ है, यहाँ लिखा है एमपीटी सिलेंडर, यहाँ लिखा है फुल सिलेंडर, और वो भी अलग अलग करके रखना है। देखिए दोनों केबिन बना करके यहाँ रखा गया है। ठीक है, और ये देखिए पूरा वेंटिलेशन के लिए यहाँ देखिए एकदम रखा हुआ है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए ये देख रहे हैं, यहाँ जो इसके ऊपर जो छत बनाया गया, जो चदरा टीन वगैरह लगाया है, उसके नीचे देखिए एक जाली जाली दिख रहा है। ठीक है, तो उसमें भी गैप है ना, वो गैप इसलिए है कि जब अगर गैस ऊपर जाती है तो उधर से ऐसे करके वो बाहर निकल जाए। पास में फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ होना चाहिए, तो ये सब हमको ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद है कि जब भी सिलेंडर को हम स्टोर करते हैं तो अपराइट पोजीशन में करना चाहिए, अपराइट का मतलब खड़े। ठीक है, हाँ, कुछ लोग सुला करके रख देते हैं, सुला करके सिलेंडर को नहीं रखना चाहिए, बल्कि अपराइट में नहीं, खड़े पोजीशन में रखना चाहिए। ठीक है, और जब भी आप यूज करते हैं सिलेंडर तो क्या होता है कि सिलेंडर खाली हो जाता है, तो जो भी सिलेंडर खाली हो जाता है तो उसको अलग से सेपरेट अलग कर देना चाहिए, या खाली के ऊपर एमपीटी लिख करके, है ना, रख देना चाहिए। बेहतर है एमपीटी सेक्शन अलग बनाइए, फुल सेक्शन अलग बनाइए, ताकि वर्कर को किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद है कि सिलेंडर जब भी खाली हो तभी उसके जो वाल्व हैं क्लोज करके हमको रखना चाहिए। ठीक है, सिलेंडर को, है ना, कोरोसिव वाइपर एयर सोर्स ऑफ हीट से हमेशा दूर रखना चाहिए। बहुत सारे केमिकल्स जो हमारे कोरोसिव होते हैं उसके वाइपर रिलीज होते हैं, या कहीं से बहुत सारे हीट वगैरह रिलीज होते हैं, तो उससे भी हमको अपना सिलेंडर को क्या रखना चाहिए, है ना, बचा के रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिलेंडर को कभी भी आने जाने का जो रास्ता होता है, इमरजेंसी जो एग्जिट होती है ना, वापस होता है, स्टेयर वगैरह होता है, उसमें बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आने जाने का रास्ता ऐसे ही नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, ताकि स्लिप एंड ट्रिप हैजर्ड्स ना हो। और अगर इस तरह के सिलेंडर अगर आने जाने के रास्ते में हो या इमरजेंसी एग्जिट के रूट में हो, तो अचानक अगर किसी को भागना पड़े या कुछ हो जाए, घटना दुर्घटना, तो बताइए सिलेंडर कितना बड़ा खतरनाक बन जाएगा वहां लोगों को गिराने के लिए, है ना, ट्रिप हैजर्ड का बहुत बड़ा, है ना, कॉज बन जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि सिलेंडर को आने जाने और इस तरह के कोई भी इमरजेंसी एग्जिट में नहीं रखना चाहिए। तो मैं तो ये कहूंगा सिर्फ सिलेंडर को ही क्यों, कोई भी चीज नहीं रखना चाहिए आने जाने के रास्ते पे, इमरजेंसी एग्जिट पे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे कि सिलेंडर को, है ना, 5 साल के अंदर उसकी टेस्टिंग हो जाना चाहिए। ठीक है, कौन सा टेस्टिंग, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट, है ना, और आप लोगों को हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट ऑलरेडी पढ़ा दिया गया है। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ एक इमेज रखा हूँ। बताया यह जाता है कि अगर कोई भी सिलेंडर के वो लिखित होता है कि इसका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट यानी एचपीटी कब हुआ है, अगर 5 साल के अंदर है तो ही आपको सिलेंडर एक्सेप्ट करना है, अदरवाइज सिलेंडर को एक्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और
जो भी रूल एंड रेगुलेशन के अंतर्गत जो भी एजेंसी सिलेंडर को सप्लाई करते हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी सप्लाई बिल्कुल भी ऐसे सिलेंडर को ना करे जो डेट क्या हो गया हो, एक्सपायर हो गया हो। ठीक है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट क्या होता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ एक टेस्टिंग होती है अलग से, और भी एक वीडियो बना है, थोड़ा सा हम बता देते हैं, जिससे सिलेंडर के बॉडी का है ना इंटेग्रिटी और स्ट्रॉन्गनेस को चेक किया जाता है कि सिलेंडर उतना मजबूत है या नहीं है जितना प्रेशर में इसको यूज करने वाले हैं, और 50% मार्जिन में रख करके तब हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट होना चाहिए। तो कुल मिला के कहना ये चाहते हैं कि हर 5 साल पे हमारा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर टेस्ट हो जाना चाहिए सिलेंडर का, और जब सिलेंडर का ये टेस्ट होगा तो बाजाबता उस सिलेंडर की बॉडी पर यानी नेक पर इस जगह, ठीक है, ये देख रहे हैं, ये लिखित होगा कि कब क्या गया, किसके द्वारा क्या गया। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि सिलेंडर स्टोरेज की। ठीक है, तो अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि सिलेंडर स्टोरेज के बारे में, आपको जस्ट अभी बताए क्या बताए बताया कि सिलेंडर को जब भी स्टोर किया जाता है तो स्टोर करने के लिए कुछ ध्यान में बातों को रखना चाहिए। ये बात के ऑक्सीडाइजर जो मटेरियल होते हैं, जो फ्लेमेबल ऑक्सीडाइजर मटेरियल्स होते हैं, या ऐसे तत्व जिसमें आग लग सकती है, तो उनसे हमको सिलेंडर को क्या रखना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सिलेंडर को बेहतर ये होता है कि अगर आप दोनों सिलेंडर को मान के चलिए आपके पास वहाँ वैसी कोई जगह नहीं है जो दोनों सिलेंडर को अलग अलग हम रख सकें, एक ही कैबिन है, तो कैबिन के बीच में आपको एक बैरियर लगाना है। ठीक है ना, सेपरेशन वॉल लगाना है, जैसे कि आप है ना इस वीडियो में देख सकते हैं, इस इमेज में देख सकते हैं, देखिए एक सेपरेशन वॉल लगा दिया गया है। इस सेपरेशन वॉल का हाइट कम से कम 5 फीट होना चाहिए और फायर रेटिंग कम से कम 0.5 आवर्स होना चाहिए, यानी जो बीच वाला जो आप जो भी लगाइएगा यूज कीजिएगा, ठीक है, तो अगर आग लग जाए तो आधा घंटा तक, समझ रहे हैं, वो आग उस दरवाजे को ना जला पाए, ऐसा मटेरियल का होना चाहिए कि आधा घंटा तक आग उस दरवाजे को ना जला पाए, यानी फायर रेजिस्टिंग आपको क्या लगाना पड़ेगा, बैरियर लगाना पड़ेगा। अगर दो तरह के गैसेस हैं और दो तरह के गैसेस अगर आपस में रिएक्ट कर रहे हों, ठीक है, तो आपको सेपरेशन करके रखना होगा। जैसे आप एसिटिलीन गैस और ऑक्सीजन गैस को एक साथ नहीं रख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आते ही क्या होती है, आग लग जाती है। ठीक है, तो आपको ऐसे सेपरेट करके रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ आपको दिखाए हैं, हाफ आवर है ना फायर रेटिंग का ये बीच में होना चाहिए है ना, फ्यूल गैस ऑक्सीजन देख रहे हैं, तो ये फ्यूल गैस है, ये ऑक्सीजन है, तो दोनों को अलग अलग रखा गया है, और बीच में जो ये दीवारें खड़ी की गई हैं इसके अंदर कम से कम आधा घंटा तक क्षमता होना चाहिए कि आग के साथ वो क्या करे, डटे रहे। ठीक है, आधा घंटा तक ना चले। ठीक है, आगे बात करेंगे मूविंग एंड ट्रांसपोर्ट की। जो सिलेंडर को हम लोग जो मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसके भी कुछ नियम्स हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले कहते हैं कि सिलेंडर को जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं तो ट्रॉली पे लेके जाएं, ये देख रहे हैं ट्रॉली पे, लेकिन एक यहाँ इमेज देखिए, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बंदा क्या कर रहा है, लात मार मार के हर हाथ से उसको रोल है ना रोली पोली करते हुए लेके जा रहा है ना लुढ़काते लेके जा रहा है, ये बिल्कुल भी नहीं लेके जाना चाहिए। ठीक है, अगर सिलेंडर को हमको हाइट पे उठाना हो, ऊंचाई पे उठाना हो, ठीक है, तो क्रेन, होइस्ट, डेरी है ना, ये सब के थ्रू जो हम लोग उठाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रहे कि क्रेडल, नेट या इसकी बॉक्सेस आता है उसमें डाल करके ही हमको सिलेंडर क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा। बच्चों का झूला आप लोग देखे होंगे, सेम वही झूला जैसा होता है, उसमें रख करके हमको उठाना चाहिए। ठीक है, और कहते हैं नेवर बाय रॉप चैन स्लिंग और स्लिंग है ना चॉक्ड अराउंड द बॉडी, करें कि इसके गर्दन पे रस्सी बांध कर या इसके बॉडी पे रस्सी बांध कर कभी भी हमको उठाना नहीं चाहिए। ठीक है, जब भी उठाना होगा तो जैसे ये कैसे ट्रॉली है तो और थोड़ा सा बढ़िया सा होता है ताकि उससे कोई सामान गिरेगा नहीं, जैसे इसको देख सकते हैं, जैसे ये अगर दरवाजे यहाँ बंद कर दिया जाए तो एक ट्रॉली का रूप ले लेगा, ऐसा होता है, और इसके चारों कोने में रस्सी बांध कर उठा लिया जाता है, तो वर्केड हाइट अगर उठाना हो तो ऐसे उठा सकते हैं सिलेंडर। ठीक है, जब भी आपको मूव करना हो स्पेशली, तो आप
हरगिज हरगिज इस बात का ध्यान रखें कि बिना कैप लगाए हुए बिल्कुल भी तो मूव ना करें, ठीक है। और सिलेंडर को जब भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो रोल या थ्रिल करते हुए ना लेके जाएं। थ्रिल का मतलब होता है, कभी कभी देखे होंगे सिलेंडर को ऐसे करते, ऐसे 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 करके, है ना, सिलेंडर का जो नीचे का पेंदी होता है उसके एज पे खड़े करके उसको ऐसे ऐसे करके हम लोग लेके जाते हैं थ्रिलिंग करते हुए, नहीं करना चाहिए या रोल हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ठीक है। और प्रोटेक्टिव वाल हमेशा लगा हुआ हमारा होना चाहिए। प्रोटेक्टिव वाल का मतलब यही होता है, बार बार वाल पर जोर दिया जा रहा है क्योंकि वाल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है गैस को रिलीज होने से बचाने के लिए, ठीक है। सिलेंडर को कभी भी ड्रॉप नहीं करना चाहिए, ऊपर से नीचे फेंकना नहीं चाहिए, इस बात का भरपूर ध्यान रखना चाहिए कि सिलेंडर बिल्कुल ऊपर से नीचे ना फेंकाए, ठीक है। और क्योंकि सिलेंडर ऊपर से नीचे फेंकाएगा तो हो सकता है कि एक दूसरे से टकरा जाए, स्ट्राइक कर जाए, और एक दूसरे से टकराने से वायलेंटली वो क्या हो जाए, ब्लास्ट कर जाए, ठीक है, या डैमेज भी हो सकता है। जैसे कि देखिए एलपीजी जो हम लोग घर पे यूज करते हैं, हमारे यहाँ के जो भी डीलर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, ट्रक से माल को लाते हैं और लाने के बाद क्या है, पटकना शुरू कर देते हैं, ठीक है, सिलेंडर को रोड पर। तो देखते हैं अक्सर सिलेंडर क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा, है ना, दबा पेचा हुआ होता है, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिलेंडर को जब भी हम मूव करते हैं, ठीक है, तो डीवार्स या एलिवेटर के जरिए से हमको करना चाहिए, ठीक है। तो डीवार एलिवेटर क्या होता है उसके लिए हम आपको यहाँ दिखाए हैं फोटो, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ देख रहे हैं खाली सिलेंडर है, ठीक है, इसको चढ़ाया जा रहा है, तो इसको चढ़ाने का भी एक आता है, ये डीवार है, इसके जरिए से इसको आप चढ़ा दीजिए, ठीक है। सिलेंडर को जब ट्रक वगैरह से उतारना है तो ये देखिए एलिवेटर, ये एलिवेटर उसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, हाइड्रोलिक है, ठीक है, ये ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, जाने के बाद क्या होगा, सारे सिलेंडर को इस पर रखेंगे, ये लॉक करेंगे, लॉक करके फिर ये नीचे आ जाएगा और नीचे आराम से भी सिलेंडर को क्या कीजिए, निकाल लीजिए। जैसे आप लोग देखे होंगे बाइक वगैरह की जो एजेंसी होती है वहां भी बाइक वगैरह को उतारने का ऐसा जो है ना एलिवेटर बना होता है। उसके बाद बात होगी अब लेबलिंग सिलेंडर की। तो सिलेंडर कभी भी हमको विदाउट लेबलिंग यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। सिलेंडर हमेशा कैप लगा हुआ होना चाहिए और बगैर लेबलिंग के कभी भी सिलेंडर को हमको यूज नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर हम कलर की बात करें तो कलर क्या होता है ना, डिफरेंट होता है ना, सप्लाई टू सप्लाई डिफरेंट होता है, नेशन टू नेशन डिफरेंट होता है, कंट्री टू कंट्री डिफरेंट होता है, लेकिन जो लेबल है सिलेंडर के ऊपर वो तो बिल्कुल लेबलिंग होना चाहिए, ठीक है। हाँ, बिना लेबलिंग के कोई भी सिलेंडर नहीं होना चाहिए, सिलेंडर के अंदर लेबलिंग होना चाहिए और इस तरह होना चाहिए कि वो विजिबल हो, अगर उसको चेक किया जाए तो आसानी से वो देखा जाए, जैसे ये आर्गन है, ये ऑक्सीजन है, ये नाइट्रोजन है, ये एसिटिलीन है, ये प्रोपेन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इस तरह से सारे गैसेस का नाम और लेबलिंग क्या है यहाँ प्रॉपर दिख रहा है, तो ये सारी लेबलिंग हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करेंगे सिलेंडर फिटिंग गैस ट्यूबिंग, ठीक है। सिलेंडर फिटिंग की अगर हम बात करें तो सिलेंडर क्योंकि अपने आप में काम नहीं करता है, इसके साथ कुछ पार्ट्स हमारे जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो बात करेंगे कि सिलेंडर फिटिंग्स वेरी बिटवीन गैस टाइप, इनर्ट एंड ऑक्सीडाइजिंग, कोरोसिव एंड फ्लेमेबल। बताते हैं जो सिलेंडर का जो फिटिंग्स होते हैं ना कुछ डिफरेंट होते हैं, अलग अलग आपको दिख सकते हैं, देखना यह पड़ता है कि जो सिलेंडर के अंदर गैस है वो किस तरह का गैस है, इनर्ट गैस है, ऑक्सीडाइजिंग है, कोरोसिव है, फ्लेमेबल है, हाईली फ्लेमेबल है, ठीक है, तो इसके हिसाब से। उसके बाद एक बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता है कि टेफ्लॉन टैप जो है यूज किया जाता है बहुत सारे, है ना, नट बोल्ट को टाइट करने के लिए, तो टेफ्लॉन टैप कभी भी यहाँ इस जगह पे टेफ्लॉन टैप कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। ये दिख रहा है ना, ये जो आपका ये लगाया गया है रेगुलेटर जो लगाया गया है, तो इस जगह लगाया गया है ना जी, तो यहाँ टेफ्लॉन टैप, जैसे टेफ्लॉन टैप से हम लोग कैसे पाइप वगैरह को कसते हैं, नल टूटी वगैरह का, तो टेफ्लॉन टैप बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए, उसमें आग लग सकती है, ठीक है। और कभी भी ऐसे दो पार्ट्स को कभी भी यूज नहीं करना चाहिए जो एक दूसरे का कंपेटिबल नहीं है, ठीक है। कंपेटिबल का मतलब जो एक दूसरे पे फिट ना बैठता हो, फिट ना होता हो, ऐसे को बिल्कुल यूज नहीं करना है, ठीक है। और जब भी हम इसके नट बोल्ट को कसेंगे तो हमें चाहिए कि हम ऐसे टूल्स का प्रयोग करें
जो नन स्पार्किंग टूल हो, ठीक है, जैसे ब्रास और अल्मोनियम, है ना, टू वर्क ना फ्लेबल और ऑक्सीडाइजिंग गैस फिटिंग्स, इसमें जो भी हम काम करेंगे ना, तो अल्मोनियम से बना हुआ या ब्रास का बना हुआ हमारा क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टूल्स होना चाहिए जिससे हम लोग कसते हैं, रिंच कहते हैं, ठीक है। ये सारे पार्ट्स का नाम है, आप अच्छे से पार्ट्स के नाम को देख सकते हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन, आप हमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ सकते हैं, सारे पार्ट्स को अच्छे से इंडिकेट किया गया, ये उनके पार्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे रेगुलेटर एंड होसेस की, ठीक है। रेगुलेटर एंड होसेस की अगर हम बात करें तो आपको बता दें कि रेगुलेटर एंड होसेस जो होता है वो मैक्सिमम जो है ना, जो उसका प्रेशर होता है, मस्ट बी मार्क्ड फॉर मैक्सिमम सिलेंडर प्रेशर। मैक्सिमम सिलेंडर प्रेशर क्या होगा, है ना, मैक्सिमम सिलेंडर प्रेशर से 75 तक ही हम जाएंगे, 75 से ज्यादा नहीं जाएंगे जब यूज करेंगे तो, ठीक है, मतलब 100 कभी भी प्रेशर इसका यूज नहीं करना है ना, जो रेगुलेटर का मैक्सिमम प्रेशर है ना उसमें 75 ही करना है, 25 हमको रिजर्व ही रखना है। यानी जैसे गाड़ी का एक्सेलेटर हम लोग पूरा झाड़ के थोड़े चलाते हैं, जितना घूमता पूरा एर्थ थोड़े देते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं अपने दोस्त को कह रहा था, यार मैं गाड़ी चला रहा था तो 80 तक तो मैं चलाया स्पीड तक, तो हमको कह रहा है कि एक्सेलेटर पूरा एर्थ दिए थे, ना नहीं पूरा एर्थ थे तब ना, और आगे जाती 120 तक खींचाता। तो वही बात है कि पूरा एर्थ नहीं देना है, कहीं ऐसा ना हो कि एठने के चक्कर में कहीं वायर टूट जाए, समझे, तो पता चलेगा गाड़ी फ्री हो जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरह से ध्यान रखना है कि यहाँ हमको फुल खोलना नहीं है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मस्ट बी इक्विप्ड विद टू गैसेस, हमको जब भी सिलेंडर यूज करना है ना तो दो गैस जरूर यूज करना है। दो गैस इसलिए यूज करना है क्योंकि एक गैस जो होगा ना तो प्रेशर को दिखाएगा कि कितने प्रेशर में आपका जा रहा है, और एक गैस क्या दिखाएगा कि सिलेंडर के अंदर कितना है ना प्रेशर है। यस, तो यहां देख सकते हैं सिलेंडर प्रेशर गैस, यानी ये सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर वो बताएगा, और डिलीवरी प्रेशर गैस का मतलब है कि कितने प्रेशर में आपका गैस जा रहा है वो। तो इसलिए हमेशा हमको चाहिए कि हम इसका ध्यान रखें कि हमारा दो होना चाहिए। उसके बाद करें कि फ्लैशबैक अरेस्टर, है ना, दोनों रेगुलेटर पे हमको यूज करना चाहिए। दोनों का मतलब अगर कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर है तो उस पर करना चाहिए, और अगर एसीटेन का है तो उस पर भी करना चाहिए। ये देख रहे हैं, ये वाला जो देख रहे हैं ये आपका फ्लैशबैक अरेस्टर है। ये क्या होता है कि अगर कभी भी फायर बैक हो जाए इंसिडेंटली, एक्सीडेंटली, या किसी तरह से अचानक आग लग गया पाइप में और फायर बैक होते होते हुए अगर यहाँ आएगा तो ये फ्लैशबैक अरेस्टर क्या करेगा, आपको रोक लेगा, आगे जाने नहीं देगा, ठीक है। तो इसीलिए चाहिए कि हम लोग क्या करें, फ्लैशबैक अरेस्टर जरूर लगाएं, और जब भी इसको हम यूज करेंगे तो हमको स्लोली स्लोली क्या करना चाहिए, खोलना चाहिए, उसके बाद जो नोजल होता है उधर से उसका एयर हल्के हल्के से निकालना चाहिए। इसके जो भी ज्वाइंट्स होते हैं, इस ज्वाइंट्स में किसी तरह का ग्रीस, ऑयल या किसी तरह का, है ना, छोटा मोटा जो ग्रीट वगैरह होता है, बालू वालू होता है, या इस तरह का कुछ भी ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी लगने नहीं देना चाहिए। उसके बाद अब सवाल है कि लगने क्यों नहीं देना चाहिए, ऑयल ग्रीस लगने देंगे तो भाई आग लग जाएगी, और छोटे मोटे अगर डेब्रिस अगर उसके अंदर फंसेगा आएगा तो क्या होगा, उसके थ्रेड को खराब कर देगा, ठीक है। हाँ, उसके बाद कहते हैं कि कभी भी हमको इंस्टेंट, है ना, कंबस्टन विल टेक प्लेस इफ हाइड्रोकार्बन आर एक्सपोज टू, है ना, प्योर ऑक्सीजन। ये कहना ये चाहते हैं कि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं अगर प्योर ऑक्सीजन का सामना करें, यानी हाइड्रोकार्बन को अगर यूं ही छोड़ दीजिएगा हवा में, एसिटिलीन को यूं ही अगर हवा में खाली छोड़ दीजिएगा, प्रोपेन को, बुटेन को यूं ही हवा में खाली छोड़ दीजिएगा ना, आग लग जाएगी। प्योर ऑक्सीजन के संपर्क में जैसी आएगा आग लग जाएगी, इसीलिए हमको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी गैस बिल्कुल भी रिलीज ना हो, ठीक है। उसके बाद हमको पूरी फिटनेस करने के बाद, पूरी मतलब प्रिपरेशन करने के बाद ही हमको धीरे से जो टॉर्च होता है वो टॉर्च को नोजल के मुंह के पास ले जा करके, तब हमको टॉर्च को जला करके आग लगाना चाहिए। दूसरी बात कि मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर का क्या मतलब रिकमेंडेशन है, वो क्या आपको गाइडलाइन दिए हुए हैं, किस तरह की बातें वो समझाते हैं, किस तरह की बातें वो बताते हैं,
ठीक है, उन सब बातों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, है ना। किसी भी सिलेंडर को जलाने से पहले, प्री लाइटिंग एंड लाइटिंग का मतलब हुआ जलाने से पहले, जलाने के दौरान, ठीक है, उनके गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए। उसके बाद आप आगे, हम यहाँ ये कहना चाहते हैं, इसके जितने भी फिटिंग्स हैं, ये जितने भी फिटिंग्स हैं, यानी जहाँ जहाँ ज्वाइंट है, जहाँ जहाँ आप दिख रहे हैं ज्वाइंट पाइप वगैरह जो भी दिख रहा है, ये सब अच्छे से क्या होना चाहिए, कसा हुआ होना चाहिए, अच्छे से अटैच होना चाहिए, स्क्रू होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, और इतना भी मत टाइट करने लगी है कि मतलब फट जाए, नट टूट जाए, डैमेज हो जाए, स्लिप कर जाए, ठीक है। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे सिलेंडर यूज की, ठीक है। तो आपको एक बात हम बता दें कि बी श्योर ऑल कनेक्शन आर टाइट, हमें यूज करने से पहले चाहिए कि हम पहले श्योर कर लें कि सिलेंडर का जितने भी ज्वाइंट है वो सारे के सारे टाइट हैं, और सारे ज्वाइंट पे हमको क्या चाहिए, वहाँ जो पिन होता है ना, क्लिप होता है ना लगाने वाला, वो क्लिप जरूर लगा देना चाहिए, ठीक है, जहाँ जहाँ लीकेज वगैरह हो, ठीक है। दूसरी बात, जितने भी ज्वाइंट हैं सारे ज्वाइंट पे हमको सोपी वाटर एक आता है ना, वो खरीद के लिया जाता है, और सारे ज्वाइंट पे वो आपको गिरा देना है। गिराएंगे, अगर वहां से लीकेज हो रहा है तो वहां से आपको छोटा छोटा क्या करेगा, बबल निकलना शुरू होगा, ठीक है। और जितने भी सिलेंडर के वाल्व, रेगुलेटर, कपलिंग, होज और उसके जो भी अपराटस हैं, उसको हमेशा साफ रखना चाहिए, तेल, ग्रीस ये सब बिल्कुल भी लगने नहीं देना चाहिए, ठीक है। ओपन फ्लेम से बिल्कुल और हीट से बिल्कुल सिलेंडर को दूर रखना चाहिए, और सेफ्टी वाल्व को हमेशा सिलेंडर के साथ रखना चाहिए, इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए, ठीक है। हाँ, और जब भी कोई आप सिलेंडर को यूज करते हैं तो उसमें किसी तरह का रिपेयरिंग का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फ्लैश बैक की बात हम कर ही चुके हैं, रेगुलेटर की बात ऑलमोस्ट हम कर ही चुके हैं, ठीक है। सिलेंडर को कैसे रखना चाहिए उसकी भी बात ऑलमोस्ट हम कर ही चुके हैं। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए कि फायर एक्सटिंग्विशर इक्विपमेंट शुड बी रेडीली अवेलेबल व्हेन एन कम्बस्टिबल मटेरियल कैन बी एक्सपोज्ड टू वेल्डिंग और कटिंग ऑपरेशन यूजिंग कंप्रेस गैस सिलेंडर, है ना, गैसेस। तो यह कहना यह चाहते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर जैसे कि अभी हम पीछे दिखाए हैं और सब लोग जानते हैं, जिससे आग को बुझाया जाता है, जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर होता है, वो बिल्कुल, है ना, जहां भी हॉट वर्क करते हैं बिल्कुल पास होना चाहिए। वैसे रूल कहता है 15 मीटर से ज्यादा दूर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अप्रोप्रिएट फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, तो मोस्टली आप, है ना, ड्राई केमिकल पाउडर रख सकते हैं, CO2 गैस रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका कि वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन रिक्वायर्ड अ हॉट वर्क परमिट, कि वेल्डिंग और कटिंग का काम जब भी किया जाएगा हॉट वर्क परमिट लेकर के ही किया जाएगा। नो परमिट नो वर्क, वर्क ओनली विद हॉट वर्क परमिट, ओके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुल्ली। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल मैक्स एफ टी एड्रवेद।